इस एपिसोड की शुरुआत में पार्टी रीजन का इंट्रो होता है और हमें काफ़ी सारे नए नए पोकेमॉन्स को दिखाया जाता है। उसके बाद स्टोरी में आती है हमारी मेन कैरेक्टर लिको, वहाँ पर बस स्टॉप के पास जाकर बैठ जाती है। शुरुआत में काफ़ी वो ऑयफुल फील करती है क्योंकि उसके साथ कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। जब लिको बस स्टॉप पर बैठी होती है तो थोड़ी देर के बाद लैटिकेट आता है और उसको डरा कर भाग जाता है। फिर कुछ देर के बाद उनकी बस आ जाती है, फिर उसमें से माचोम आता है, लिको का सूटकेस लेकर बस के पीछे रख देता है और ये सब लोग बस में बैठकर निकल जाते हैं और फिर बस चलते चलते कांटो रीजन में पहुंच जाती है। जब लिको बाहर देखती है तो उसे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स दिखाई देते हैं और उसे पता चल जाता है कि ये कांटो रीजन में है और वो बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम कांटो रीजन में है और मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ। उसके बाद लिको अपने सूटकेस के साथ कांटो रीजन के सिकाई एकेडमी में पहुँच जाती है और अंदर जाकर उसे उसका रूम नंबर 303 मिल जाता है। जैसे ही वो उसका दरवाज़ा खोलती है तो अंदर पहले से एक लड़की होती है, फिर बाद में उसको लगता है कि वो एक गलत रूम में आ गई है। बाद में वो लड़की बाहर आकर बोलती है कि आपका सही रूम है, मैं तुम्हारे रूम पार्टनर हूँ। बाद में वो लड़की बोलती है मैं एनी हूँ, तुम्हारी नई रूम पार्टनर, और बाद में दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। बाद में ये दोनों अपने रूम में बैठकर काफ़ी सारी बातें करते हैं। बाद में एनी बोलती है कि मैं कभी भी कांटो रीजन के बाहर ही नहीं निकली हूँ। बाद में लिको बोलती है मेरा भी सेम सिचुएशन है, मैं पार्टी रीजन के बाहर पहली बार ही आई हूँ। बाद में दोनों ग्राउंड पर जाते हैं और वहाँ पर एक बैटल चल रही होती है। बाद में एनी लिको को बोलती है कि तुमने अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचा है। बाद में लिको अपने मन में ही बोलती है कि मैंने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा अभी तक, और उस टाइम पर लिको काफ़ी नर्वस हो जाती है। और उसके बाद रात को लिको अपनी डायरी लिखने के लिए बैठती है, डायरी में काफ़ी सारी चीज़ें लिखती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती है। और फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और दोनों एनी और लिको अपना पहला लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं और उसके बाद सबको अपने अपने पोकेमॉन पार्टनर्स दिए जाते हैं। उसके बाद अपना एनी पार्टनर लेकर आती है और उसका मिजोमारू निकलता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद लिको का नाम लिया जाता है, लिको काफ़ी शर्माती हुई अपना पार्टनर लेने जाती है। लिको के पॉकीबॉल चूज़ करने के बाद उसका पार्टनर नया हुजा निकलता है और वो काफ़ी पता नहीं क्यों सरप्राइज हो जाती है और उसके बाद वो बोलती है सो क्यूट, और उतने में ही वो लिको को पंचा मारकर बाहर दौड़ बढ़ता है। लिको भी धीरे धीरे क्लास के पीछे से उसको पकड़ने के लिए बाहर निकल जाती है। लिको के काफ़ी देर तक उसका पीछा करने के बाद उसको वो लास्ट में छत पर मिलता है। लिको काफ़ी चिंता में आ जाती है और उसे लगता है कि वो वहाँ से गिर जाएगा। जैसे ही नया हुजा उसके पास आने के लिए जंप करता है, लिको उसको बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है और वो दोनों साथ में छत पे से नीचे गिर जाते हैं और कोइंसिडेंटली वो दोनों बच जाते हैं क्योंकि नीचे एक ऑलरेडी पोकेमॉन सोया होता है। और फिर उसके बाद भी नया हुजा उधर से दौड़ निकलता है और एक शानदार सी जगह पर जाकर रुक जाता है। लिको जब वहाँ पर पहुँचती है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है और नेचर को देखकर वहाँ पर ही बैठ जाती है और लिको आखिर में वहाँ से भी उससे पंजा मारकर दौड़ निकलता है। फिर वापस से वो डायरी लिखने बैठती है और ऐसा लिखती है कि मेरी पार्टनरशिप नया हुजा के साथ शुरू होती है और मैं काफ़ी नर्वस हूँ। उसके बाद अगले दिन सुबह में ही लिको की बैटल उसके रूम पार्टनर के साथ शुरू हो जाती है। लिको अपने नया हुजा को ऑर्डर देती है अटैक करने का और सामने मिजोमारो वाटर गन अटैक करता है और कुछ ही सेकंड में नया हुजा को गिरा फेंकता है। उसके बाद नया हुजा कुछ रोने के जैसी आवाज़ निकलता है और लिको बोलती है चलो हम दोनों में कुछ तो सेम है। बैटल हारने के बाद लिको नए 18 स्टेप्स सीखती है जिसकी वजह से वो अगली बैटल जीत सके। उसके बाद लिको नया हुजा को लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो पहले गए थे। वहाँ पर वो दोनों मिलकर ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर में उनसे कुछ भी नहीं होता और वो लौटकर अपने रूम में वापस आ जाते हैं। रूम में आने के बाद लिको अपने बैग में से कुछ निकालती है, उतने में उसकी रूम पार्टनर उठकर भी वो देख लेती है। बाद में लिको बोलती है कि ये मेरा गुड लक है और ये मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने दिया है। अगले दिन सुबह उठकर लिको ऐसा सोचती है कि मैं इसलिए आई थी कि यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे कुछ और अच्छा मिल सकता है। बाद में लिको और उसके रूम पार्टनर ग्राउंड पर चले जाते हैं। ग्राउंड पर मिजोमारो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड पर था
और नया हुजा छत पर ही सो रहा था। उसे देखकर लीको काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। बाद में लीको नया हुजा के बारे में कुछ और ज़्यादा सीखने की कोशिश करती है। बाद में एंट्री होती है दो नए कैरेक्टर्स की, जो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन लोगों का सारे फिजिक्स सेम दिखाई देते हैं, इसलिए वो ढूंढ नहीं पाते। बाद में लीको अपने रूम में से बाहर आती है और नया हुजा को ढूंढने के लिए। जैसे ही नया हुजा उसको मिलता है, वो दोनों को काफ़ी अमेजिंग हग होता है। बाद में लीको नया हुजा को स्मेल करती है और ऐसा बोलती है कि ये काफ़ी सारी अच्छी स्मेल है। बाद में वो दोनों लड़कियां फिर से सीन में आती है और ऐसा ही बोलती है कि अभी तक वो हमें मिली नहीं। बाद में उनका लीडर आता है और उनको भी वो बता देती है कि हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। बाद में लीको नया हुजा को लेकर वापस प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है और नया हुजा इतना आलसी होता है कि तभी भी वो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते दोनों मिलकर। बाद में इनके स्कूल का फर्स्ट लॉन्ग ब्रेक आता है और लीको की रूम पार्टनर अपने घर जा रही होती है और लीको अपना घर जाना पसंद नहीं करती, वो वहीं पर रहना चूज़ करती है। वहीं पर एक नया कैरेक्टर लीको को ढूंढते हुए आता है और वो उसकी ग्रैंड मदर की तरफ से एक लेटर लेकर आता है लीको के लिए। वो लेटर में ऐसा लिखा होता है कि मुझे अपना पेंडेंट चाहिए, तुम पेंडेंट को लेकर जल्द से जल्द घर आ जाओ। तो लीको अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो पेंडेंट वही होता है जो लीको के लिए काफ़ी लक्की होता है। बाद में वो आदमी बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है, उतने में लीको पेंडेंट पहनकर खिड़की से बाहर कूद जाती है और छत पर चढ़ जाती है। उनकी टीम उसको ढूंढने के लिए सारे एरिया को ब्लॉक कर देती है और आखिर में लीको उन लोगों के हाथ में आ ही जाती है। बाद में उनकी टीम का एक मेंबर लीको को पकड़ने के लिए सैडन को बाहर निकलता है। बाद में नया हुजा लिफेज मूव करता है। नया हुजा के मूव से सैडन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद लीको एक और बार लिफेज का ऑर्डर देती है। बाद में नया हुजा एक और बार लिफेज करता है, उसकी वजह से सैडन की आंखों में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उतने में लीको फिर से वहाँ से भाग निकलती है और काफ़ी ज़्यादा बैटल के बाद उनकी स्कूल में आग लगने वाली होती है। उतने में वो दोनों टेरेस पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से जंप करने वाले होते हैं। जैसे ही वो लोग जंप करते हैं, कोई आदमी आकर उन पर अटैक करता है और वो सीधा लीको के आँख में जाता है और फिर उतने में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के सारे एपिसोड हिंदी में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। कुछ चीज़ की कमी लगी हो आपको तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।